नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के बिगिनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके थे। आज हम सेकंड पार्ट में कुछ और इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। एक बार मुझे कन्फर्म कर दीजिए, इज आई एम ऑडिबल और नॉट, या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुँच पा रही है क्या? नमस्कार, क्या मेरी वॉइस आप सभी तक पहुँच पा रही है कि एक बार कन्फर्म कर दीजिए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इससे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट, यहाँ पर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर ही लाइव टेस्ट और क्विज होती हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में कुछ और आएगा और आपको पढ़ाया कुछ और जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस। सपोज कीजिए आपने यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया है अनअकैडमी का, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़वाया जाएगा या फिर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया। नहीं, जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे, आप किसी की भी क्लास को जाके क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यह अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसे आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस इन योर पॉकेट। पॉकेट का मतलब अरे मोबाइल आपकी जेब में, तो पूरी की पूरी क्लासेस आपकी जेब में हो गई। दिस वन इज समथिंग अबाउट मी, कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, एमटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, और इसी शौक ने बहुत सारे स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी में उनके मुकाम तक पहुंचाया। आशा करता हूँ लिस्ट में अगला नाम आपका होगा। अगर आपके सपने बड़े हैं, ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल लिंक। यहाँ पर आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं इस क्लास से रिलेटेड या आपके स्टडी से रिलेटेड, आपका मन लगता है, आप डीमोरलाइज है, कुछ भी आपको दिक्कत है रिगार्डिंग योर स्टडी, तो आप मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं 5 से 10 मिनट मैक्सिमम देता हूँ और हालात में स्टूडेंट को रिवर्ट करता हूँ। ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो भी मेरी वीडियोज आती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अब बात करते हैं जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट की, उसके ड्यूरेशन की, और टाइप ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर अनअकैडमी ने आपको काफी फ्री हैंड दिया हुआ है। आप 1 महीने से लेकर और 24 मंथ्स यानी 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स बोलता हूँ कि दे शुड गो फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, कम से कम 12 महीने का तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जिस दिन से यूपीएससी एग्जाम की डेट अनाउंस करती है, तब से लेकर और फाइनल सिलेक्शन कराती है, तब तक लगभग लगभग कितना, 1.5 साल लेती है एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में, एक कैंडिडेट को चूज करने में। तो देख रहे हैं आप यूपीएससी कितनी सीरियस है एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में। तो अगर इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, आप वास्तव में आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो कम से कम मेरा ऐसा मानना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी पढ़ाई के लिए 1 साल बहुत होता है, ठीक है, अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करें। तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन सही है इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट। और अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक वीक, आप बिल्कुल ही आपको शुरुआत से करनी है, तो यू कैन गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के टाइप की। तो पहले बात कर लेता हूं मैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस की। फर्स्ट नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता देता हूं। देखिए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। पहला, यहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। दूसरा, डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज होती है, तो जो भी आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी खुद का आकलन कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि आपका अभी लेवल कहां पर है। थर्ड, यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस ये नहीं कि आपको केवल प्री की प्रिपरेशन कराई जाएगी, नहीं, आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको इस पूरा प्रोसीजर के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं, तो आपका जो अमाउंट होगा दैट विल बी 44,000। यहां पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ योर अमाउंट विल बी 39,600 रुपीज। वहीं आप अगर 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के, तो आपका अमाउंट होगा 64,000। यहां पर भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं,
मेरे रेफरल कोड को यूज करके, दैट इज RSBeaver। अब ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ योर अमाउंट विल बी 57,600 रुपीज। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। देखिए, अगर आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो देखिए, जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में फैसिलिटी है उसमें ही कुछ और फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज ऐड कर दी गई हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ पर पर्सनल कोच, जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगी 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में। अब देखिए क्या होगा, कई बार आप डीमोरलाइज होंगे क्योंकि लंबा सफर आप तय करेंगे, इसकी पढ़ाई भाई सिंपल तो है नहीं, अगर आसान होती तो आपको हर जगह IAS मिलते, तो एक मुश्किल दौर से आप गुजरेंगे, एक लंबा सफर आपको तय करना, उस बार आप कई बार आप डीमोरलाइज होंगे, कई बार आप थक जाएंगे, कई बार आपने ट्रैक से इधर उधर दाएं बाएं भटकेंगे, जो आपका एम है उससे भटकेंगे, तो वो कोई ऐसा जो आपको आपके ट्रैक पे मेंटेन करे, आपको डीमोरलाइज ना होने दे, आपको हमेशा बूस्टअप रखे, वो होगा आपका पर्सनल कोच या पर्सनल मेंटोर, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोवाइड करेगी। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट कितना है दोस्तों, 64,000 यानी 64,000 रुपए है। यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो फिर अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ योर अमाउंट विल बी 57,600 रुपीज। वहीं आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट होगा 99,000। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 10% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ योर अमाउंट विल बी 89,100 रुपीज। यानी कि अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। राइट, चलिए आज के जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द, क्या है आज का हमारा टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड पार्ट है, कल हम फर्स्ट पार्ट में काफी कुछ समझ चुके थे, आपका मैंने बेसिक क्लियर कर दिया था कि बैंक क्या होता है, बैंक का फंक्शंस क्या होता है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों के जो पापा हैं, ठीक है, या भारत सरकार के जो बैंक हैं, वो क्या बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं। और मौद्रिक नीति किस लिए बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यानी कि जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए RBI क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक, ये हम कल हम सीख चुके थे, कल हम जान चुके थे, यानी कि इन्फ्लेशन, राइट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। राइट, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इन्फ्लेशन जो है वो दो चीजों पे वेरी करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपका डिमांड पर और एक आपका सप्लाई पर। राइट, डिमांड और सप्लाई पे इन्फ्लेशन क्या करती है, वेरी करती है। अगर आपका डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। और ये डिमांड कौन करता है, डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है बायर, कौन करता है दोस्तों, डिमांड करता है बायर, यानी खरीदने वाला हमेशा डिमांड करेगा, मांग करेगा। और जो बायर हो, जो बायर की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है, यानी PP पर, परचेजिंग पावर मतलब उसकी खरीदने की क्षमता पर निर्भर करती है। राइट, और जो परचेजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसकी इनकम पर निर्भर करती है बायर की। और इनकम किस पे डिपेंड करती है, इनकम डिपेंड करती है मनी पर, यानी पैसे पर। यानी कि अगर पैसा ज्यादा है तो इनकम ज्यादा, इसका मतलब इनकम ज्यादा है तो परचेजिंग पावर ज्यादा है, अगर परचेजिंग पावर ज्यादा है तो बायर डिमांड ज्यादा करेगा, और जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी और पीछे सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाएगी। राइट, मनी कम है तो इसका मतलब इनकम कम है, इनकम कम है तो बायर की परचेजिंग पावर कम है, जब बायर की परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम करेगा, यानी ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इन्फ्लेशन के लिए, यानी मुद्रास्फीति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मनी है। ठीक है, क्या है, मनी इज रेस्पॉन्सिबल, मनी इज रेस्पॉन्सिबल। मैंने आपको कहा था मनी दो तरीके की होती है, एक आपकी ब्लॉक मनी और एक आपकी लिक्विड मनी। राइट,
एक आपकी ब्लॉक मनी और एक आपकी लिक्विड मनी। लिक्विड मनी मतलब वो मनी जो फ्लोट कर सके, ठीक है, वो मनी जो फ्लोट कर सके, दैट इज कॉल्ड योर लिक्विड मनी, राइट। यहां तक क्लियर है आपकी? यानी मनी जो है वो दो तरीके की, ब्लॉक मनी और लिक्विड मनी। तो यानी कि ये जो है, ये वाली जो मनी है आपकी, यानी जो लिक्विड मनी है, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किसके लिए, इस मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। यानी जितनी पैसा मार्केट में होगा उतना ही क्या होगा, यानी ये लिक्विड मनी किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगर ज्यादा पैसा मार्केट में होगा, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा, मनी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी और वो ज्यादा डिमांड करेगा, राइट। यानी कि लिक्विड मनी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। और ये जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाना जिसके द्वारा वो क्या करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। एक तो डेफिनेशन हो गई ये, दूसरी आरबीआई के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाना जिसके द्वारा वो लिक्विड मनी को कंट्रोल करे, ऐसी पॉलिसी को क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई बनाता है। और आरबीआई के अंदर क्या होता है, एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं 6। 3 तो होते हैं आरबीआई की साइड से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीएससी में, पूछा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर इज 6। 3 इधर की साइड से होते हैं, 3 आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, ठीक है। जो आरबीआई की ओर से होंगे उसमें फर्स्ट क्या होगा आपका, कौन होगा आपका, गवर्नर ऑफ द आरबीआई, सेकेंड होगा डिप्टी गवर्नर और थर्ड होगा आपका कौन, जो कोई ऑफिसर फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। वहीं आपके जो 3 लोग गवर्नर्स के गवर्नमेंट की साइड से होंगे वो क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे इन द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट होंगे वे। तो यहाँ पे जो इस कमेटी का जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर है यहां तक आपको, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, चलिए। तो यानी कि आप ये समझ गए कि आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आरबीआई की जो अंदर कमेटी है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, यानी मौद्रिक नीति बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब टू कंट्रोल द लिक्विड मनी, इस लिक्विड मनी को कंट्रोल किया जाता है क्योंकि लिक्विड मनी ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। यानी आरबीआई क्या करती है, एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसे कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई हमेशा कहती है कोई दिक्कत नहीं मुझे, जब तक जो इन्फ्लेशन 2% से लेकर 6% के बीच में होगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 6% से ज्यादा या 2% से अगर कम आएगी तो आरबीआई एक्टिव हो जाती है और कंट्रोल करती है, क्या करती है, तुरंत ही उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक्टिव हो जाती है और क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। क्लियर है, इज इट नॉट क्लियर और नॉट, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब सारी बात थी किसके ऊपर, सारी बात थी लिक्विड मनी के ऊपर, यानी मनी क्या कर रही थी। अगर लोगों की जेब में, पीछे देखिए, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो पैसा ज्यादा का मतलब है अगर ज्यादा पैसा है तो लोगों की, किसी की इनकम ज्यादा हो जाएगी, लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और ज्यादा डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो यानी कि पैसा और पैसे में ये लिक्विड मनी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो अब आरबीआई क्या करती है उसको समझिएगा, आरबीआई क्या करती है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए, क्या कर देती है रिड्यूस मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई, जो लिक्विड मनी मार्केट में घूमना ना, लिक्विड मतलब फ्लोटिंग मनी, मैंने आपको बताया था लिक्विड मनी मतलब फ्लोटिंग मनी। अगर जो स्टूडेंट नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो कल वाले एक बार चैप्टर देख ले तो उनको क्लियर हो जाएगा। लिक्विड मनी मतलब जो फ्लोटिंग मनी जो घूम रही है मार्केट में, तो क्या करती है आरबीआई, क्या कर देगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगी, ठीक। और इस रिडक्शन ऑफ मनी को क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके की पॉलिसी मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित, इस तरीके की जब पॉलिसी जब मार्केट में वो पैसा रिड्यूस कर दे तो उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी। क्या बोलते हैं,
टाइट मनी पॉलिसी बोलते हैं, डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे एमसीक्यू पूछे गए हैं, राइट। क्या टू फाइट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, रिड्यूस कर देती है मनी सप्लाई, यानी मार्केट से पैसे को, मार्केट का मतलब है जो फ्लोटिंग मनी यानी जो लिक्विड मनी है मार्केट में, उस मनी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। इस पॉलिसी को जब रिड्यूस करती है मनी सप्लाई मार्केट से, तो इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, टाइट मनी पॉलिसी बोलते हैं या डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं, राइट, ओके। दूसरा, डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए, अगर इसका उल्टी बात की जाए तो डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए क्या किया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए डिफ्लेशन कब आता है, डिफ्लेशन इसी का, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन, यानी कि जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए, जब लोग डिमांड कब कम करेंगे, जब उनकी परचेजिंग पावर कम होगी यानी उनकी इनकम कम होगी और उनकी जेब में पैसा कम होगा, जब जेब में पैसा कम होगा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, डिमांड कम हो जाएगी यानी डिफ्लेशन आ जाएगी यानी मंदी आ जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो उससे कंट्रोल, उससे फाइट करने के लिए क्या किया जाएगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक। ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं या चीप मनी पॉलिसी बोलते हैं, नोट डाउन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, और ऐसी पॉलिसी को जो आरबीआई बनाती है, आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को जब जिसमें रिड्यूस किया जाता है मनी सप्लाई को, उसको बोला जाता है टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी, और जहां पे मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी। क्लियर है यहां तक, इज इट नॉट क्लियर और नॉट, आगे बढ़े, यहां तक आपको क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यानी कि मार्केट में पैसा पहुंच रहा है, लोगों के जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है, तो उस अगर जेब में पैसा ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो क्या करना है, रिड्यूस करना है पैसा, क्या करना है दोस्तों, रिड्यूस करना है, और अगर कम पैसा है तो लोगों की जेब तक पैसा पहुंचाना है, तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसमें उसके कुछ टूल्स होते हैं, आरबीआई के कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, उसके इन टूल्स के द्वारा, सिंपल सी बात याद रखिएगा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो उसके टूल्स हैं, उन टूल्स के द्वारा क्या करती है, वो लोगों की जेब में पैसा पहुंचा देती है और लोगों की जेब से पैसा निकाल लेती है, मतलब लोगों, मतलब मार्केट की, मार्केट तक पैसा पहुंचा देती है और मार्केट से पैसा उठा लेती है। अगर मार्केट में पैसा पहुंचाना है तो वो कैसी पॉलिसी होगी, मार्केट में पैसा, मैंने पीछे बताया, अगर मार्केट में पैसा पहुंचाना है तो दैट इज कॉल्ड इजी मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। और मार्केट से पैसा वापस उठाना है यानी मार्केट में पैसा कम करना है यानी रिड्यूस करना है, तो दैट इज कॉल्ड टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी। क्लियर आपको यहां तक, इज इट क्लियर और नॉट, चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे। अब समझिए, तो यानी कि पैसे को मार्केट में पहुंचाना और मार्केट से पैसे के उठाने को, कम करना मार्केट में या पैसा ज्यादा करना, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए आरबीआई क्या करती है, कुछ टूल इस्तेमाल करती है, क्या, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, आरबीआई में भी कौन, आरबीआई की कमेटी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो वो टूल्स देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। दो तरीके के टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स। पहले तो इनको समझिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मैंने आपको इसे कल ही बताया था, मान लीजिए मैं कोचिंग दे रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग दे रहा हूं, 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 100 में से मैं एक स्टूडेंट पे टारगेट कर लूं कि मुझे किसी भी हालत में बाय हुक एंड क्रूक इस स्टूडेंट को इस साल हर हालत में आईएएस बनाना है, हर हालत में एक स्टूडेंट पे मैंने फोकस कर लिया, एक पे, तो दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ठीक है, किसी एक पर, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में मैंने फोकस कर लिया, किसी एक एरिया पर, किसी एक स्टूडेंट पे मैंने फोकस कर लिया, दैट इज कॉल्ड योर क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं मेरे ये टारगेट हो कि ये 100 स्टूडेंट सारे को, सबको आईएएस बनाना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, ठीक है, यानी कि मेरा सबको, मैं एक सेक्टर को पर्टिकुलर नहीं, सभी सेक्टर को उठाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड अवर, क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अवर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है यहां तक, इज इट क्लियर और नॉट, चलिए एक मिनट दीजिएगा, ठीक। तो अभी आज हम बात किसकी करेंगे, आज हम बात करेंगे पहले क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं फॉर मॉनेटरी पॉलिसी उसकी बात करेंगे। तो देखिए क्वांटिटेटिव क्या क्या है, सीआरआर एसएलआर फुल फॉर्म अभी बताता हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एक होता है एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो मैंने यहां रोका हुआ है, क्यों आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि ये टूल्स के द्वारा, इन टूल्स के द्वारा अगर पूरे इन टूल्स की याद रखना, ये वाले टूल्स आप याद रखिएगा, ये दो इस क्वालिटेटिव टूल्स के द्वारा तो आरबीआई क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, और इसके द्वारा पूरे भारत में आने वाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। जब ये एक्शन लिए जाते हैं तो सारे सारे सेक्टरों पे इसका असर होता है और इसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे असर होता है। इन टूल्स का अगर इस्तेमाल करेगी तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में रख के इसको इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इन टूल्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये सबके लिए है, राइट। चलिए तो वन बाय वन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो और स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर की बात करेंगे। तो समझिएगा, इसको भूल जाओ दो मिनट के लिए, ये क्या है, ये है हमारा बैंक, क्या है, ये बैंक है, ठीक। बैंक में कौन पैसे जाके जमा करते हैं, हाउस होल्ड या फैमिली, आप एज ए इकोनॉमिस्ट की तरह बात करना, भोचू बच्चों की तरह मत बात करना, कमेंट बॉक्स में सही लिखना, बैंक में कौन जाके पैसा जमा करता है, हाउस होल्ड की फैमिली, मैं आपको बता चुका हूं, इस बैंक में कौन जाके पैसे जमा करता है, हाउस होल्ड की फैमिली, कौन करता है पैसे जमा, इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक्स में हमें फैमिली बोलना चाहिए कि हाउस होल्ड बोलना चाहिए, ठीक है, हाउस होल्ड, कौन करते हैं, हाउस होल्ड, इसमें क्या करेंगे, पैसे जमा करेंगे। सपोज करो मैं ही हूं, ठीक है, मैं गया बैंक में, याद रखो बैंक में दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, उसके अलावा कोई डिपॉजिट नहीं होता, कौन सा, पहला होता है डिमांड डिपॉजिट जिसको डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एक होता डिमांड डिपॉजिट और एक होता फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट समझो, मैं अभी गया बैंक में अंदर गया, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गया और वहां पे एक जो अकाउंट जो कैशियर था उसको मैंने 1000 रुपए दिए कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए जमा कर दो, उसने क्या करा, तुरंत मेरे मुझे उसमें रसीद पैसे जमा करे और एक रसीद वापस दे दी मुझे, मैंने कितने 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। मैं बाहर आया बैंक से, तुरंत अब जेब से एटीएम निकाला, एटीएम लगाया और 1000 रुपए निकाल ली, यानी दैट इज डिमांड डिपॉजिट, मेरे पैसे कभी निकालू, ये दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जमा करे और निकाल ली, चाहे मैंने आपको अभी जमा करे अभी निकाल ली, चाहे मैंने जमा के 2 दिन बाद निकालूं, ठीक है, ये मुझे अधिकार दिया किसने, बैंक ने दिया, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जैसे आपने देखा ना 100 महीने में अपने अमाउंट को डबल कीजिए, 8 साल कुछ महीने में अपने अमाउंट को डबल कीजिए, तो उसमें क्या होता है आपका अकाउंट पैसा जाके फिक्स हो जाता है, आप अभी भी नहीं निकाल सकते, 8 साल से पहले नहीं निकाल सकते, राइट, क्लियर है आपको। तो क्या होगा, दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, जमा की डिपॉजिट करते हैं हम लोग, एक डिमांड डिपॉजिट और एक फिक्स डिपॉजिट। अब क्या हुआ, मैं बैंक में गया और बैंक में जाके मैंने 100 रुपये जमा कर दिए, कितने रुपए, 100 रुपए, ठीक है ना यार, अभी स्टूडेंट है 100 वाली बात करेंगे, ठीक, 100 रुपये जाके बैंक में जमा किए, अच्छा बैंक इसके बदले में क्या देगा मुझे, बैंक ने मुझे 6% इंटरेस्ट दिया, ठीक है, 6% मान लेता हूं, ठीक है, 3 देता 3.5 देता, ये जस्ट बैंक जो था जैसे जिसकी हालत खराब हुई है, ठीक है, वो क्या है, कितना देता था, 6% देता था, उस पर भी एक बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर आया बाकायदा, यस बैंक क्यों डूबा। तो क्या हुआ, मान ली 100 रुपए मैंने जाके जमा किए, बैंक ने मुझे 6% इंटरेस्ट दिया, ठीक है, अब इस बैंक ने क्या करा, यही पैसा मेरा 100 रुपए उठाए और 100 रुपए किसे दे दिए, एज ए लोन दे दिया, किसको, रिलायंस एनर्जी को, किसको दे दिया, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस एनर्जी, उसको जाके 100 रुपए लोन में दे दिए, कितने परसेंट पे, 12% पे, यानी 12% पे देंगे, 12% कौन लेगा, बैंक लेगा, यहां पे मुझे दिए क्योंकि मैंने पैसा जमा किया, यहां पे बैंक ने आरबीआई इसको रिलायंस एनर्जी को 100 रुपए दिए लोन के तौर पे, तो उससे इंटरेस्ट लेगा 12% लिए, तो नेट कितना बचा इसके पास, भाई 12 में से 6 मुझे दे दिए, यानी कि लगभग 6% के आसपास
इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 6% इसके पास बचा। इस 6% में क्या करेगा, इसके खर्चे भी हैं, लोग अपने एम्प्लॉय की सैलरी भी देता है, इसके इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली वाले लोग काम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका अपना रेंट वगैरह सब कुछ, ये इसमें पूरा खर्चा अपना यहां से निकालता है इस कमीशन से 6% से, राइट, आप समझिएगा। अब क्या हुआ, मैं 100 रुपए जमा करके आया, इसने 100 के 100 जाके रिलायंस एनर्जी वाले को लोन दे दिया, ठीक। अब मैं 2 घंटे बाद अपने पैसे लेने निकालने गया, मैंने कहा मेरे पैसे दो, तो बैंक मैनेजर बोला वो तो हमने लोन में दे दिया भैया, और मैं तो कहूंगा मेरे पैसे दे, वो मैनेजर बोला मैं कहां से दूं, मैं तो दे दूंगा पकड़ के इसको, बढ़िया तरीके से इसकी पिटाई कर दूंगा कि मेरे पैसे दे भाई, मेरे हैं ये तो, तूने क्यों दे दिए। तो अब क्या हुआ, इसने 100 रुपए तो पैसे दे ही नहीं पा रहे है। ठीक है, आप अब सिचुएशन से बचने के लिए RBI ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इन बैंकों को। आप कहेंगे कि सर जरूरी थोड़ी आप 100 रुपए जमा करके आए, आप अगले दिन मान लीजिए 100 रुपए ले गए, वो इसने 100 के 100 यहाँ रिलायंस एनर्जी को दे दिए, कोई दूसरा मान लीजिए 100 रुपए जमा करने आ गया, ठीक है हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सभी लोग अपना पैसा निकालने लग जाए, तब क्या होगा, ये तो सब लोन में दिया हुआ है, तब क्या होगा। तो इससे बचने के लिए RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो बैंकों के पापा है, बैंकों के पापा, उन्होंने कुछ गाइडेंस दी हुई है इनको। क्या गाइडलाइंस दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ कि जी जो आप जो लोग 100 रुपए जमा करने आते हैं, यानी जो डिमांड डिपॉजिट यानी जो डिपॉजिट करने आ रहे हैं, जो भी पैसा डिमांड और फिक्स जो भी डिपॉजिट करने आ रहे हैं, उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आपको 2 हिस्सों में रखना है, उसका कुछ हिस्सा आपको अपने पास या मेरे पास रखना है, सारा आप लोन में नहीं दोगे। क्या मतलब, RBI ने कहा कि जो मान लीजिए मैं 100 रुपए का एग्जांपल ले रहा हूं, इस 100 रुपए में से 3%, इस 100 रुपए में से 3% आप CRR की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में मेरे पास जमा कर देंगे, और 18% अभी रेट चल रहा है, 18% आप SLR की फॉर्म में क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे। अब समझो, मान लीजिए अगर RBI ने कहा अगर कोई आदमी 100 रुपए जमा करने बैंक में आता है, उसने 100 रुपए जमा करे, तो आप 100 के 100 का लोन नहीं दोगे, ठीक है, आप 100 के 100 का लोन नहीं दोगे, आप क्या करोगे, उस 100 रुपए में से 3 रुपए, इस 100 रुपए में से 3 रुपए, क्योंकि CRR अभी 3% चल रहा है, ये बदलता रहता है, 100 रुपए में से 3 रुपए आपको क्या करना है, 100 रुपए में से 3 रुपए आपको मेरे पास यानी मेरे RBI के पास कैश की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में आपको RBI के यानी मेरे पास जमा करने हैं। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, कैश को रिजर्व करना है, कैश को रिजर्व करना है, और किस रेशो में, जो 100 किया उसका 3% कैश यानी कैश की फॉर्म में रिजर्व करना है, यानी मेरे पास यानी RBI के पास, रेशो मतलब उस रेशो में, ये 100 का 3%, ये रेशो में, इस रेशो में आपको मेरे पास जमा करना कैश की फॉर्म में। तो अब मान लीजिए 100 रुपए में से 3 रुपए तो कहां चले गए, 3 रुपए तो RBI के पास चले गए, किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, और RBI ने एक बात कही है कि मैं तुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तू सोचा कि 3 रुपए तूने मेरे पास जमा कर दिए तो मैं तेरे को उसको इंटरेस्ट दूंगा, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला, राइट। तो मुझे बताओ क्या CRR पे बैंक को जो ये बैंक है इसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, जो CRR जमा करते हैं उस पे बैंक को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, RBI ने जाके जो अपना 3 रुपए जमा किए हैं, सॉरी RBI में जो 3 रुपए जमा किए हैं बैंक ने, उसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बताइए, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पे क्या बैंक ने, RBI ने साफ बोल दिया कि मैं तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला। दूसरा, अब बाकी दूसरा कहा है RBI ने कि अब क्या करना है, इस 100 रुपए का ही 18%, इस 100 रुपए का 18% तुझे अपने पास ही, बैंक को अपने पास ही, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तुझे अपने पास ही 100 रुपए का 18% तुझे अपने पास ही इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तुझे अपने पास ही, तुझे अपने पास ही, किसने कहा, RBI ने कहा कि इस 100 रुपए का 18% तुझे अपने पास ही इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड,
इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा। यानी कि 3% तो इस 100 रुपए का, 100 रुपए में से 3 रुपए तो तुम मेरे पास जमा कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, जिसपे तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इस 100 रुपए में से 18 रुपए, 100 में से 18 रुपए, क्योंकि 18% है, तुझे इस 18 रुपए का या तो तू कैश रख ले अपने पास, या गोल्ड ले ले, या तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ले, या फॉरेन करेंसी ले ले, या थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले ले, तुझे अपने पास ही जमा करके रखना है, उसे तो कहीं भी खर्च नहीं कर सकता। अब ये बताओ, आपके पास दो टर्म आ गई, एक CRR आ गई और एक आपके पास SLR आ गई, इन दोनों में से किसमें बैंक को प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से किसको, किसमें बैंक को प्रॉफिट होगा, इन दोनों में से बैंक में, बैंक को किसमें प्रॉफिट होगा, CRR में बैंक को प्रॉफिट होगा कि SLR में बैंक को प्रॉफिट होगा। माय क्वेश्चन इज दैट, इन दोनों में से किसमें प्रॉफिट होगा बताइए, किसमें होगा, CRR में प्रॉफिट होगा कि SLR में प्रॉफिट होगा, मेरा सवाल है ये कि किसमें प्रॉफिट होगा। यहां तो ये कैश की फॉर्म में RBI में जमा कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो बेचारे को क्या प्रॉफिट होगा। यहां पे कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जमा करेगा। अब पता लगा गोल्ड के प्राइस रोज बढ़ रहे हैं, यहां तो प्रॉफिट होने वाला है। मान लीजिए उसने इसके बराबर, फॉर एग्जांपल, उसने 1 तोला सोना लेके रख रखा है। अब आज 1 तोला सोने, 1 तोला मतलब 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला मतलब होता है 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम की आज प्राइस मान लीजिए 50,000 रुपए, कल को पता लगा 51,000 हो गए, तो यहां पे तो प्राइस बढ़ गए तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे याद रखिएगा किसमें, SLR में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं, SLR में बैंकों को प्रॉफिट होता है और CRR में बैंकों को कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब देखिए कितने जमा किए थे, 100 रुपए, 100 में से 3 रुपए तो क्या होगा, 3 रुपए तो CRR में जमा हो गए, 18 हो गए SLR में, 18 रुपए मान लीजिए तो कितने हो गए टोटल, 21%। यानी कि 100 रुपए में से 21% तो CRR और SLR की फॉर्म में बैंकों को साइड में रखना पड़ेगा, बचा कितना आप 100 में से 79 रुपीज बचे ना, तो RBI बैंक को कम से कम 6%, मान लीजिए 6% इसको चाहिए था, कम से कम 6% इसको अपने खर्चे काटने के लिए चाहिए था। अब क्या हुआ, ये 79 है, ये क्या कर सकता है, लोन दे सकता है 79 रुपीज, कौन, बैंक दे सकता है। अब मुकेश अंबानी को मेरा सवाल है कि मुकेश अंबानी जब आएंगे, उनकी कंपनी रिलायंस एनर्जी आएगी 79 रुपीज लेने, तो क्या ये इसको 12% पे लोन देगा या ज्यादा बढ़ा देगा, क्या करेगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि भाई उसको अपने खर्चे, उसके तो खर्चे उतने के उतने ही हैं, ठीक है, उसे अपने खर्चे मेंटेन करें तो 12 की जगह 15% कर देगा, है ना। अब देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मार्केट में पैसा कैसा आया, मान लीजिए मुकेश अंबानी लोन लेने आ गए, लोन लेकर गए, उन्होंने एक और फैक्ट्री लगा दी, एक फैक्ट्री लगा दी तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो खूब सामान खरीदेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहां से जो लोन से पैसे दिया जा रहा है, लोन के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है, इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। तो RBI क्या करेगा, तुरंत फोन करेगा, जब उसको लगेगा इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो बैंक को कह देगा भाई अपना CRR 3 की जगह तो 5% कर दो और SLR 18 की जगह कर दो 20%, तो कितना हो गया अब टोटल 25%, यानी अब 75 रुपए ही लोन दे सकते हो आप, लोन आगे कम जा रहा है, लोन कम जा रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा बैंक अपना, क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक को तो अपने खर्चे उतने ही रखने हैं, उसके खर्चे तो कम नहीं हो रहे, उसको तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो क्या होगा, लोन कम जाएगा बाहर, जब लोन कम जाएगा यानी मार्केट में पैसा कम जाएगा, जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR भी क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है और SLR भी बढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR बढ़ाया जाता है, क्लियर है कि नहीं है, यानी मार्केट में कम पैसा पहुंचे, ठीक है,
मार्केट में कम पैसा पहुंचे इसके लिए सीआरआर और एसएलआर बढ़ाया जाता है बाय द फ्रॉम द साइड ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की साइड से आरबीआई ही कहता है, फोन करता है, फोन मतलब नहीं, उसके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें वो उसके थ्रू डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फोन कर देता है आरबीआई कि भाई सीआरआर एसएलआर बढ़ा दो क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा जा रहा है। और मार्केट में ज्यादा पैसा, मान लिया कोई होम लोन लेने गया, पहले होम लोन क्या सस्ता मिला है, बैंक कह रहा हाँ होम लोन दे रहे, खूब होम लोन बांट रहा है, खूब होम लोन बांट रहा है बैंक। ठीक है, और आरबीआई क्या कहते कि पहले होम लोन मान लीजिए 10% मिल रहा था, आरबीआई ने कहा सीआरआर एसएलआर बढ़ा दो तो होम लोन क्या होगा 15% या 20% मिलने लगेगा, तो लोग लेने नहीं जाएंगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जो मकान जो रियल सेक्टर में इसमें आपके रिटेल जो कौन सा सेक्टर होता है रियल एस्टेट सेक्टर में जो महंगाई आ रही है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने जाना था अभी, क्या टू रिड्यूस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या कर दिया, सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ पहले कितना ज्यादा था 79 रुपीज जाते लोन में, और बढ़ा दिया सीआरआर एसएलआर तो 75 जाने लगा, यानी मार्केट में कम पैसा पहुंच रहा है। जब मार्केट में रिड्यूस करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और डियर मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें यह भी आ सकता है कि सीआरआर और एसएलआर को अगर कोई बैंक बढ़ा दे तो इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, तो बता दीजिएगा डियर मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, सीआरआर और एसएलआर दोनों को रिड्यूस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि मार्केट में जब रिड्यूस कर देगा तो देखिए जब मार्केट में रिड्यूस कर देगा ये एसएलआर और सीआरआर को रिड्यूस कर देगा तो पता लगा ये पहले ये 1% कर दिया और ये कर दिया 10%। खैर इतना वेरिएशन नहीं आता, मैं आपको एक समझाने के लिए बताऊं तो 11, यानी कि बैंक कितना 89 रुपीज अब लोन दे सकता है, यानी मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा, यानी मार्केट में पैसे का फ्लो बना दिया। तो इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं इजी मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। क्लियर है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? गार्गी जी अभी बता दें आपको ना, डोंट वरी, आपको सब बता देंगे आप। इस ये चैप्टर का आप निश्चिंत रहो, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर और नॉट? अभी आपको समझ में आ गया बैंक रेट, ओ सॉरी बैंक रेट का एसएलआर और सीआरआर। क्लियर है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी एसएलआर सीआरआर आपको क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पहले भी हम बात करेंगे सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटी वर्ड समझते हैं, ये सिक्योरिटी वर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट भूल जाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगानी है, क्या ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री लगानी है और इस फैक्ट्री के लिए मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपीज, इतने मुझे पैसे चाहिए 10 लाख। मेरे पास 5 लाख रुपए तो हैं दोस्तों, 5 लाख रुपए हैं मेरे पास, 5 लाख मेरे पास की मुझे जरूरत है, 5 लाख मेरे पास ऑलरेडी है, 5 लाख रुपए की मुझे जरूरत है। मैं बैंक के पास गया लोन लेने कि मुझे आप 5 लाख का लोन दे दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इससे हमें पता है कि आपका प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि मैं इस तरीके का प्रपोजल बनाया था, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा कि हाँ भाई प्रॉफिट उसको होने वाला है। उसने कहा ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, आप हमारे इस लोन के बदले में जो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे उसके बदले में आप हमें मॉर्गेज कोलेटरल या गिरवी में क्या रखेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो गिरवी में कुछ रखने को है नहीं। मैंने कहा तो एक काम करो, प्यार से यहां से निकल जाओ, इस गेट से बाहर हो लो, आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं मुंह सा बना के अपना बाहर आ गया क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं मॉर्गेज या कोलेटरल या गिरवी रखने, कुछ था ही नहीं, एक ही वर्ड है मॉर्गेज कोलेटरल या गिरवी रखना, एक ही बात है, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मुंह सा बना के बाहर आ गया। अब मुझे 5 लाख रुपए मेरे दिमाग में चल रहे थे, 5 लाख रुपए चाहिए, तो क्या हुआ मेरा दोस्त सामने से निकल के जा रहा था राजू। मैंने कहा राजू सुन भाई, कह रहा हाँ। मैंने कहा जरा 5 लाख रुपए दे दिए, मैंने देख लिया उसके पास, उसको आज पैसे मिले हैं कहीं से, मुझे बताया था किसी ने। मैंने कहा राजू 5 लाख रुपए दे, कह रहा मैं नहीं दूंगा भाई, वो घर वाली बहुत मारेगी। अब मैंने कहा दे दे यार, कह रहा नहीं भाई वो बहुत मारेगी मुझे, कल भी पिटाई करी उसने, आज फिर मारेगी। मैंने कहा अच्छा, कह मैंने क्यों, कह रहा यार 5 लाख रुपए तुझे दे दूंगा तो बहुत मारेगी वो। मैंने कहा ओहो,
मैंने कहा एक काम कर, अगर मैं तुझे 5 लाख के 2 दिन के बाद 5 लाख 1 हजार रुपए दूं या 5 लाख 10 हजार रुपए दूं तो चलेगा? कह रहा हाँ यार ये तो सही है, मैं पूछ लूं जरा। उसने तुरंत फोन निकला और अपने हेड ऑफिस को फोन मिलाया, कह रहा वो ऐसे ऐसे मैं उनको पैसे दे दूं 5 लाख रुपए, और वो कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद 5 लाख 10 हजार रुपए लीजिए तुम मेरे से। उसकी वाइफ ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन गारंटी क्या है? राजू ने मेरे से पूछा भाई वो ये पूछ रही गारंटी क्या है। मैंने गारंटी बता रहा हूं, मैंने कहा एक काम करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं तुझे एक पेपर बना के दूंगा, ठीक है, एक पेपर दूंगा तेरे से 5 लाख रुपए लूंगा, और पेपर पे ये लिख दूंगा कि जो भी ये पेपर दो दिन के बाद मेरे पास लेके आएगा उसको मैं 5 लाख 10 हजार रुपए दूंगा, और आप लिख के नीचे अपने साइन कर दिए मैंने, ठीक है। तो राजू ने क्या करा, तुरंत मुझे 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, और मैंने उसको ये क्या दे दिया, ये पेपर दे दिया, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी। अब वो 2 दिन के बाद आया मेरे से 5 लाख 10 हजार लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी। अब एक सवाल है, एक सिक्योरिटी मैंने इशू करी, एक सिक्योरिटी इशू करी मुकेश अंबानी ने, मुकेश अंबानी को भी 5 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक, मुकेश अंबानी ने भी ये सिक्योरिटी इशू करी। तो मेरा सवाल है कि राजू को, राजू मुझे पैसे देगा कि मुकेश अंबानी को देगा? सिंपल सी बात है, मुकेश अंबानी को देगा, भाई मैं तो लेके भाग सकता हूँ और भाग भी सकता हूँ, 5 लाख रुपए गोली हो जाऊंगा, हवा भी नहीं आऊंगा, ठीक है। तो क्या करेगा राजू, मुझे ना देके मुकेश अंबानी को देगा, है ना, देगा कि नहीं देगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद एक सिक्योरिटी किसने इशू करी, एक गवर्नमेंट ने करी, गवर्नमेंट को जरूरत है, गवर्नमेंट ने इशू करी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वही गवर्नमेंट ने कि आप 5 लाख रुपए दे जाओ और 5 लाख 10 हजार रुपए ले जाओ, ठीक है। तो आप में से मुझे आप बताइए कि राजू को कौन सी सिक्योरिटी लेनी चाहिए जिसमें वो सिक्योर होगा ज्यादा, बताइए कौन सी सिक्योरिटी में जाना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी में जाना चाहिए। माय क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी सिक्योरिटी में राजू को जाना चाहिए कि 5 लाख रुपए दे और 5 लाख 10 हजार रुपए 2 दिन बाद ले ले। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल बात है, शाबाश, गवर्नमेंट की ओर जाना चाहिए क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है, राइट, सिक्योरिटी ज्यादा है। तो अब देखिए एक बात और आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमेशा इंटरेस्ट कम मिलता है क्योंकि वहां सिक्योरिटी ज्यादा होती है। सबसे कम इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगा, उसके बाद कॉर्पोरेट में, और सबसे ज्यादा मिलेगा इंडिविजुअल में। क्योंकि मैं सपने नहीं दिखाऊंगा, मैं कहूंगा 5 लाख दे, 6 लाख लीजिए 2 दिन के बाद, तभी तो कोई मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। गवर्नमेंट की 5 लाख दो और 2 महीने बाद 5 लाख 200 रुपए ले जाना, वो इंटरेस्ट कम देगी, मतलब आपको गेन कम देगी, लेकिन वहां पे रिस्क कम है। यानी यहाँ रिस्क सबसे कम यहां पर है, उसके बाद मुकेश अंबानी, और सबसे ज्यादा रिस्क मेरे पास है क्योंकि मैं तो लेके भाग सकता हूँ, ठीक है, कभी गोली हो जाऊंगा, आप ढूंढते रहना, ठीक। तो ये जो पेपर है जो गवर्नमेंट ने इशू किया, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो भी पेपर इशू करता है, जो सिक्योरिटी इशू करते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। तो सिक्योरिटी आप समझ गए, और जब इस पेपर को गवर्नमेंट इशू करे तो दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्लियर है कि नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट? चलिए यहां तक आपको क्लियर है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में और बता देता हूं। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक, पहली बात, जब भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट जब इशू करेगी, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इशू करेगा, सरकार करता। अभी थोड़ा सा आरबीआई का और इसमें इंटरफेयर कराऊंगा, लेकिन पहले आप पहले से बोलने लगे, पहले मेरी पूरी भाषा शब्दों को सुनिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तब इशू की जाती है जब सरकार को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कब इशू होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है और लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ती है। जब कम समय के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, तब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तब भी क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब 365 दिन से कम के लिए, लेस देन 365 डेज। अगर 365 दिन से कम के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है
तो वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है उसको बोलते हैं दोस्तों बिल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिल। और जब सरकार को लॉन्ग टर्म मतलब 365 दिन से ज्यादा के लिए पैसा उधारी में चाहिए, लोन चाहिए, तो वो लोन के बदले क्या इशू देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधारी में चाहिए तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट इशू करती है उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं, राइट। और जब ये बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ये मैं आपको पूरा फ्रेंच मार्केट में पढ़ा चुका हूं, पूरा का पूरा। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की यानी 365 दिन से कम के लिए क्या चाहिए, 365 दिन से कम के लिए में पैसा उधारी में चाहिए, तो जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं उसको बोलते हैं बिल। और जब ये बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय के लिए 365 दिन से ज्यादा के लिए पैसा उधारी में चाहिए तो उधारी के बदले कुछ देगी ना सामने वाले को, जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, तो वो क्या इशू करेगी, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होगी लॉन्ग टर्म में उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं तो इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? तो यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए सरकार को 365 दिन से कम के लिए चाहिए तो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल कहलाती है। और बिल को भी जब डिस्काउंट प्राइस पे देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उधारी में पैसा चाहिए सरकार को, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है गवर्नमेंट उसको बोलते हैं बॉन्ड। और ये बॉन्ड डिस्काउंट प्राइस पे क्या बोलते हैं इसको? जीरो कूपन बॉन्ड। अब यहां पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या? क्या सरकार कटोरा लेके मार्केट में पैसा मांगने जाएगी? सरकार पैसा मांगेगी? यार कोई बात, सरकार की लेवल है, सरकार है, मान ली भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ गई तो सरकार जाएगी भारत सरकार पैसा मांगने? नहीं, सरकार की जगह कौन जाएगा? सरकार की जगह जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा मांगने जाता है। क्लियर है? कौन मांगता है? अगर सरकार को उधारी में पैसा चाहिए तो सरकार किससे पैसा मांग, सरकार क्या कहेगी? सरकार थोड़ी कटोरे में लेके जाएगी मार्केट में, नहीं, सरकार की जगह आरबीआई पैसा मांगेगा। कौन मांगेगा? आरबीआई मांगेगा। लेकिन आरबीआई की खूबी है, क्या खूबी है? आरबीआई केवल और केवल दो लोगों से डील करता है, दो ऑर्गेनाइजेशन से डीलिंग करता है, उसके अलावा किससे नहीं करता। या तो उन्हीं को उधारी में पैसा देगा या उन्हीं से उधारी में पैसा लेगा। वो कौन है? वो है आपके, एक तो है दोस्तों बैंक, एक तो है आपके बैंक, और दूसरा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन दोनों के अलावा किसी से ना उधारी में पैसा लेता है ना उधारी में देता है। ये केवल दो ही हैं। कौन? एक आपका बैंक और एक होता नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इन्हीं को बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोलते हैं इन दोनों को? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आरबीआई को पैसा किसी को उधारी में देना है, ठीक है, उधारी में किसे लेना है, तो आरबीआई किससे लेगा? बैंकों से लेगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेगा। किसी को उधारी में पैसा देना है तो केवल इन दोनों को देगा, इसके अलावा किसी को नहीं देगा, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी बड़ी कंपनी है रिलायंस एनर्जी, वो आरबीआई से पैसा मांगने लगे, नहीं देगा आरबीआई, कभी नहीं देगा। और या फिर मुकेश अंबानी कहने लगे कि आपको पैसे की कमी पड़ रही है, आरबीआई को नहीं, मतलब गवर्नमेंट को पैसे कमी पड़ रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसे कमी पड़ेगी तो उसकी जगह कटोरा लेके मार्केट में मांगने कौन जाएगा? आरबीआई जाएगा, ठीक है। आरबीआई इज नथिंग, इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है ये, क्लियर। तो कौन लेने जाएगा दोस्तों? आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में पैसा लेने जाएगी, तो किसी कॉर्पोरेट से नहीं लेगी। केवल किन से? केवल इन दो से पैसा ले सकती है, बैंक से और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। क्लियर है यहां तक आपको? जीरो कूपन बॉन्ड में, ये जीरो सी मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड राइट। अरे जो गवर्नमेंट बिल है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है। मैं आप फाइनेंशियल मार्केट में पूरा समझा चुका हूं, और क्या नाम,
उसमें फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल आप देख सकते हैं, जो इनका अनअकैडमी का जो मेन चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, वहां पे मैंने करीबन 3 घंटे की क्लास ली थी, उसमें सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर चुका हूँ। और कल भी मैंने रात जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वहां पर भी समझाया। और अभी एक मेरी मैराथन सेशन है इस सैटरडे को, तो उस सेशन में मैं आपका जो स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं अगर रिविजन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, मैं कंप्लीट मैराथन क्लास लूंगा, उसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंप्लीट बैंकिंग, ठीक है, पूरा बैंकिंग उसमें हिस्ट्री वगैरह सब कुछ होगा। एक बार फिर रिवाइज कर सकते हो आप लोग, और जो लोग नए स्टूडेंट होंगे वो तो देख ही पाएंगे। ठीक, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट बिल होगा डिस्काउंट प्राइस पे उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, और जो बॉन्ड होगा डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो क्लियर है आपको यहां तक? चलिए फिर अब क्या हुआ, ये कौन है? हु इज, ये है नरेंद्र मोदी जी, यानी भारत सरकार है। ठीक है, ये भारत सरकार है। मान लीजिए क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को किसकी 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई। क्या हो गया, ऐसा कुछ ले भी रहे हो क्या एग्जाम्पल? अरे ठीक है ना यार, अपनी अपनी सोच यही तक ही है। अब जब बड़े लेवल पहुंच जाओगे तो 1-2 लाख, 5 लाख की बात करेंगे, अभी तो स्टूडेंट है तो 1000 की बात करेंगे। आप स्टूडेंट हो तो मैं इसी लेवल पे जाता हूँ। भारत सरकार को 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो किसको फोन करेंगे? तुरंत RBI को फोन मिलाएंगे कि भाई वो यार वो जरा 1000 रुपए दे दियो, 1000 रुपए दे दियो, मुझे 1000 रुपए दे। फोन मिलाया भारत सरकार ने RBI को, मुझे 1000 रुपए दे दे। उसने कहा RBI ने कि जी मैं लेके तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ इशू करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रेजरी बिल है, आपके बहुत सारी गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल्स आपको पता ही, मैं बता चुका हूं क्या है, ट्रेजरी बिल है, ले जा तू मेरे से। इसने क्या करा, इन्होंने तुरंत ही भारत सरकार ने इनको ट्रेजरी बिल दे दी। ठीक, और ये ट्रेजरी बिल लेकर इनके पास खूब सारे ट्रेजरी बिल दे दिए, इनके पास ट्रेजरी बिल का भंडार लग गया, इनके पास ट्रेजरी बिल का भंडार लग गया। पैसा किसको चाहिए? 1000 रुपए चाहिए भारत सरकार को। मार्केट में मांगने को जाएगा RBI, क्योंकि भारत सरकार ने पैसा मांगती, समझिएगा। पैसा 1000 रुपए नरेंद्र मोदी नहीं यार, क्यों नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूं, भारत सरकार को 1000 रुपए चाहिए, तो मार्केट में पैसा मांगने कौन जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया ना आपको, एक होता मनी मार्केट, एक होता कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट जिसमें 365 दिन से कम का उधारी में पैसा लिया जाए, और जिनसे 365 दिन से ज्यादा का उधारी में पैसा लिया जाए उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मान लीजिए जो भारत सरकार है उसको 50 दिन के लिए, 50 डेज के लिए 1000 रुपए उधार चाहिए। ठीक है, तो RBI से कह दिया कि भाई मुझे 1000 रुपए ला के दो। तो RBI के गवर्नर ने कहा इनको, साहब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मनी मार्केट में, क्योंकि 50 दिन के लिए चाहिए, या आप अभी इसको मार्केट छोड़ दो। ठीक है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ पैसा उधार लेने के लिए, लेकिन मैं उधारी जिससे पैसा लूंगा उसको कुछ तो मुझे देना पड़ेगा भाई, कि वो मुझे पैसा देगा तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को ट्रेजरी बिल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आपको पता है, ठीक, ट्रेजरी बिल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ट्रेजरी बिल दे दिए, ठीक है, खूब सारे ट्रेजरी बिल RBI को दे दिए। अब RBI अपनी जेब में ट्रेजरी बिल लेके, मतलब गवर्नर साहब अपने, यार ऐसे नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, गवर्नर साहब ने ट्रेजरी बिल अपनी जेब में रखे और पहुंच गए मार्केट में। मैंने क्या बताया, RBI किससे डील कर सकता है? केवल RBI किससे डील करता है? RBI केवल और केवल किससे डील करता है बता सकते हैं मुझे आप? RBI केवल और केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन है? बैंक है आपके, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में जैसे मुथूट फाइनेंस है, LIC हुआ, बजाज अलायंस हुआ, दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जब आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आपका क्या हुआ, RBI को के पास बहुत सारे ट्रेजरी बिल है, बहुत सारे ट्रेजरी बिल है RBI के पास। RBI ने क्या करा, RBI किससे डील करेगा? ये तो बैंकों से करेगा, या फिर आप किससे करेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। तो RBI ने कहा, RBI ने देखो बैंक से, बैंक के पास पता है कि बैंक के पास बहुत पैसा है। क्यों बहुत पैसा है? क्योंकि इसमें कौन जमा करता है अपना पैसा? हाउस होल्ड पैसा जमा करते हैं, बैंकों के पास खूब पैसा है। अब बैंक क्या करता है, उसका पैसा अपना आगे लोन में देता है। अब मान लीजिए लोन में कोई नीरव मोदी या विजय माल्या सा आ गया, चट कर जाएगा पैसा, ये बेचारा खड़ा लगाएगा। बैंकों के पास बहुत पैसा होता है, बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ कलाकार आते हैं लाइक नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे, वो चूना लगा के निकल जाते हैं। ठीक, वो इतना तगड़ा चूना लगाते हैं कि बैंकों की हालत खराब हो जाती है, अदरवाइज बैंकों के पास बहुत पैसा होता है। ठीक, तो क्या हुआ, अब
बैंक क्या करता है, मान लीजिए बैंक यहाँ पे 6% से इसको वापस करना है, हाउस होल्ड ने पैसा जमा किए तो 6% क्या करेगा, 6% इसको वापस करना पड़ेगा। आगे क्या करेगा, आगे क्या कर देगा, 15% के हिसाब से 15% के रेट से नीरव मोदी को दे देगा, विजय माल्या को दे देगा और ऐसी एक्स वाई जेड इंडस्ट्री को दे देगा, ठीक है, एक्स वाई जेड इंडस्ट्री को दे देगा, ऐसे आगे पैसे पेमेंट कर देगा आगे। अब क्या हुआ, ये आया आरबीआई इसके पास, बैंक के पास, बैंक से कहा कि यार मुझे कुछ पैसा दे देगा क्या, पैसा दे देगा क्या, क्योंकि आरबीआई ने कहा इस बैंक से, क्योंकि आरबीआई को पता है बैंकों के पास बहुत पैसा है, इससे बोला कि मुझे तो पैसे दे देगा क्या। बैंक बोला कितने चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए, अच्छा उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कह रहे तो ये गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल दे दूंगा, ट्रेजरी बिल मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ट्रेजरी बिल दूंगा इसके बदले में, क्योंकि अच्छा ट्रेजरी बिल दोगे। मैनेजर कहा सोच के बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक मैनेजर ने सोचा, कहा कि सोच के बताता हूँ। बैंक के मैनेजर ने सोचा यार जिनका पैसा लिया है 6% के रेट से इनको इसको वापस करना है, इधर 15% के हिसाब से मैं लेता हूँ, ये 15% मुझे वापस करता है, पर यहाँ रिस्क ज्यादा है, पता लगा नीरव मोदी लेके भाग गया या विजय मौली लेके भाग गया तो मैं तो खड़ा खड़ा लगूंगा, सारे डूब जाएंगे, तो एक काम करता हूँ इस ट्रेजरी बिल में मुझे फायदा कम होता है लेकिन ये सिक्योरिटी ज्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ गवर्नमेंट बिल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। तो उसने कहा ठीक है जी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो मुझे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कहाँ चली गई, बैंक के पास चली गई, आरबीआई ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, और इसके बदले में क्या कहा 1000 रुपए ले लिए, किससे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी और 1000 रुपए ले लिए। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होगी, 50 दिन के बाद बैंक क्या करेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे देगा और आरबीआई इसके बदले में 1000 रुपए दे देगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये जो इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां आरबीआई बैंक को क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है और उसके बदले में बैंक क्या करता है आरबीआई को पैसे देता है, पैसे की जरूरत किसको, आरबीआई को नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है यहां तक आपको, इज इट क्लियर और नॉट, आपको ये क्लियर है कि नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट, चलिए फिर आगे बढ़े। अब फिर यही, अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, ये जो ये कमर्शियल बैंक है, दिस वन इज अ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होता है, डोंट वरी जब बैंकों की हिस्ट्री बताऊंगा आपको तो मैं क्लियर कर दूंगा, कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक ये जो टर्म्स आती है सब आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो बैंक है, सपोज कीजिए इसको SBI मान लो क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इस SBI को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, क्योंकि SBI इसके पास किसके पास जाएगा, RBI के पास, क्योंकि आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप किससे मांगते हैं, अपने पापा से मांगते हैं, अपने फादर से मांगते हैं, तो RBI क्या है, बैंकों के पापा है, तो ये किसके पास जाएगा, भागवा किसके पास जाएगा, ये भागवा जाएगा किसके पास, RBI के पास जाएगा, RBI से कहेगा कि जी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो और 5 साल के बाद वापस कर दूंगा, तो क्या करेगा RBI, कहेगा ठीक है ले जा, RBI कहेगा ले जा 5 लाख रुपए, इसको क्या करेगा 5 लाख रुपए दे देगा, 5 लाख रुपए दे देगा लॉन्ग टर्म के लिए, और RBI कह देगा चल जब माफ करा, इसके बदले तेरे से कोई कोलेट्रल कोई मॉर्गेज कुछ गिरवी में नहीं रखवाता, कोई मॉर्गेज कोई कोलेट्रल और कुछ भी गिरवी में नहीं रखवाता, तू लंबे समय के लिए पैसा लेके जा रहा है, 5 साल 6 साल या 4 साल के लिए ले जा, लेकिन जिस रेट पे देगा ये RBI इस बैंक को, जिस रेट पे पैसा देगा लंबे समय के लिए उसको बोलते हैं बैंक रेट, क्या बोलते हैं दोस्तों बैंक रेट, क्या बैंक रेट में बैंक जो है RBI को कोई कोलेट्रल देगा, नो, कुछ गिरवी में रखेगा, नो, कोई मॉर्गेज देगा, नो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउन इसको, क्लियर है आपको यहां तक, इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर है, शाबाश, इसको बोलते हैं बैंक रेट। अब क्या हुआ, अगर बैंक को ये तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए था बैंक को, SBI को,
अगर बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर वो किसके पास जाएगा, फिर बैंक को अपने पापा जी के पास जाएगा, यानी आरबीआई के पास, कहेगा जी मुझे शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। आरबीआई कहेगा ठीक है भाई ले जा, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए उसको पैसा दे देगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में आरबीआई कहेगा कि यहां पे तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मेरे पास कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा। यानी कि जिस रेट पे शॉर्ट टर्म के लिए ये बैंक जो आरबीआई से पैसा लेकर आएगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यानी जिस रेट पर ये वाले ये बैंक है जो एसबीआई है, जो आरबीआई से जिस रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेके आएगा उस रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो यहां पे जो आरबीआई है इन बैंकों से कुछ मॉर्गेज, कुछ कोलेटरल या कुछ गिरवी में रखवाएगा, ठीक है। तो यहां पे बैंक रेट में कुछ गिरवी में कुछ मॉर्गेज कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है क्या, नो कोलेटरल, कोलेटरल फ्री लोन देता है। यहां पे यस कोलेटरल रखना पड़ेगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है आपको, क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, यानी रेपो रेट और बैंक रेट। अच्छा अब क्या हुआ, मान लीजिए सपोज करो बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, मान लीजिए एक दो दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, एक दो दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, बैंक गया भागावा किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास पहुंचा कि जी मुझे दो चार दिन के लिए पैसों की जरूरत है, तो आरबीआई ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, शॉर्ट टर्म लोन ले ले, रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म लोन के लिए। तो बैंक ने कहा जी पर गिरवी रखने कुछ नहीं है, तो आरबीआई ने कहा जब गिरवी रखने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए ले ले। कह रहे जी नहीं, लॉन्ग टर्म में तो फिर 5 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5-6 साल का लंबे समय का इंटरेस्ट हो गया, मुझे तो शॉर्ट टर्म के लिए, दो चार दिन के लिए। तो आरबीआई ने कहा भाई ऐसे तो पैसा मिलने का, आप बैंक ने गिड़गिड़ाया, बैंक कह रहा है नहीं जी कुछ तो करो, फिर भी जैसे आप फैल जाते हो अपने पापा के सामने, फादर के सामने कि नहीं कुछ तो करो। उसने कहा चल आरबीआई ने, चल कोई बात नहीं, तेरी बात मान ली, एक काम कर तुझे मैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दूंगा, लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, जो तेरे पास एसएलआर है ना, और इस एसएलआर में एसएलआर किस किस फॉर्म में क्या किया जाता है, किस किस फॉर्म में रखा होता है एसएलआर, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। आरबीआई ने कहा कि ठीक है मैं तुझे शॉर्ट टर्म में लोन दे दूंगा, ठीक है, लेकिन एक काम करिए, जो ये तुझे ये जो तेरे पास एसएलआर कोटे में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसको मेरे पास रख जा और शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले जा। बाहर बैंक बोला ठीक है जी, बैंक ने कहा ठीक है मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा और शॉर्ट टर्म में लोन ले जाऊंगा। लेकिन आरबीआई ने कहा भाई इसमें मुझे क्या फायदा, तूने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास रखी, तो 10,000 मेरे से ले गया, कल को क्या होगा, तो 10,000 रुपए लाएगा अपने, मुझे दे देगा और मैं तेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा, मुझे क्या फायदा हुआ। तो बैंक बोला बताओ आपको क्या चाहिए। बैंक आरबी ने कहा लेकिन ये जो मैं तुझे जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दूंगा ना, इस पे कुछ इंटरेस्ट लूंगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा, जो रेपो रेट है उसे 0.25% ज्यादा। अगर रेपो रेट एक्स है, ये जो एक्स प्लस 0.25% एक्स्ट्रा लूंगा, और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इज इट क्लियर और नॉट, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब क्या हुआ, हर बार इसी को जरूरत पड़ रही थी पैसे की, मान लीजिए कई बार आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाए, आरबीआई पैसा मांगने लगे, कह रहा भाई बैंकों से कह रहा मुझे 1,000 रुपए दे दिए उधार, ठीक है, तो बैंक क्या कहेगा, ठीक है जी ले जाओ। लेकिन यहां पे प्राइस है यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करने की पावर भी आरबीआई के पास ही है। बैंक से इससे पैसा उधार ले रहा है, लेकिन यहां पे डिसाइड करने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई कहेगा जरा 1,000 रुपए दे और इंटरेस्ट मैं डिसाइड करूंगा, वो इंटरेस्ट कितना होगा, जो तेरा रेपो रेट है, जो रेपो रेट है यानी एक्स है, इससे 0.25% कम, और इसी को बोलते हैं रिवर्स
रेपो रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, या आई थिंक बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको क्लियर है। इज इट क्लियर और नॉट? आपको ये चीजें क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब रखा है, अगर आप नए लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इफ यू आर गोइंग टू परचेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर नए हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज Rahul_Economics। आप इस पे सर्च कीजिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। आज से मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, आपके लिए नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, आज से मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटिक्स शुरू कर रहा हूँ। राइट, जो क्लास की नोटिफिकेशन होगी आप टेलीग्राम में हो तो आपको मिली जाएगी, या फिर आपने मुझे अनअकैडमी के जो प्रोफाइल है वहां पे मुझे फॉलो किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। किस टाइम होगी? शायद 8:45 पे होगी। इंडियन पॉलिटी विद न्यूमोनिक्स, हंसते और खेलते मस्ती में आपको इंडियन पॉलिटी करवा दूंगा, पूरी पूरी की पूरी। जैसे आपको प्रीएम्बल आप पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल को कहा जाता है कि आप याद कीजिए, लेकिन फिर भी कई बार जब आप एग्जाम में होते हैं तो आप पे इतना प्रेशर होता है कि आप उस प्रीएम्बल में क्या करते हैं, डेमोक्रेसी से पहले रिपब्लिक ला देते हैं, रिपब्लिक से पहले डेमोक्रेसी ला देते हैं। आपको विद न्यूमोनिक्स और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आज इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होगी। और इंडियन पॉलिटी का पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होगा। पहले प्रीएम्बल कराऊंगा, प्रीएम्बल के बाद सीधा प्रेसिडेंट कराऊंगा, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर कराऊंगा, फिर इधर पार्लियामेंट कराऊंगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कराऊंगा, ठीक है, स्टेट असेंबली कराऊंगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ना कि पहले प्रीएम्बल, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर पार्लियामेंट, फिर इस तरीके से नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, आप आनंद की प्राप्ति करोगे, ठीक है, जैसे आप यहां कर रहे हो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। 3 बजे मिलते हैं।